मदद और दया सबसे बड़ा धर्म। कहा जाता है दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। मदद एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हर इंसान को पड़ती है, चाहे आप बूढ़े हो, बच्चे हो या जवान। सभी के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब हमें दूसरों की मदद की जरूरत पड़ती है। आज हर इंसान ये बोलता है कि कोई किसी की मदद नहीं करता, पर आप खुद से पूछिए कि आपने कभी किसी की मदद की है। अगर नहीं तो आप दूसरों से मदद की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। अनुराग नाम का एक लड़का था जो बहुत गरीब था। दिन भर कड़ी मेहनत के बाद जंगल से लकड़ियां काट के लाता और इन जंगल में बेचा करता। एक दिन अनुराग सर पर लकड़ियां का गट्टा ले जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसने रास्ते में एक बूढ़े इंसान को देखा जो बहुत दुबला था। उसको देखकर लगा कि जैसे उसने काफी दिनों से खाना नहीं खाया है। अनुराग का दिल पिघल गया, लेकिन वो क्या करता, उसके पास खुद खाने को नहीं था, वो उस बूढ़े व्यक्ति का पेट कैसे भरता। यही सोचकर दुखी मन से अनुराग आगे बढ़ गया। आगे कुछ देर चलने के बाद अनुराग को एक औरत दिखाई दी जिसका बच्चा प्यासे से रो रहा था क्योंकि जंगल में कहीं पानी नहीं था। बच्चे की हालत देखकर अनुराग से रहा नहीं गया, लेकिन क्या करता बेचारा, उसके खुद के पास जंगल में पानी नहीं था। दुखी मन से वो फिर आगे चल दिया। कुछ देर जाकर अनुराग को एक व्यक्ति दिखाई दिया जो तंबू लगाने के लिए लकड़ियां की तलाश में था। अनुराग ने उसे लकड़ियां बेच दी और बदले में उसने अनुराग को कुछ खाना और पानी दिया। अनुराग के मन में कुछ ख्याल आया और वो खाना पानी लेकर वापस जंगल की ओर दौड़ा और अनुराग बूढ़े व्यक्ति को खाना खिलाया और उस औरत के बच्चे को भी पानी पीने को दिया। ऐसा करके अनुराग बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। इसके कुछ दिन बाद अनुराग एक दिन एक पहाड़ी पर चढ़कर लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह नीचे आ गिरा। उसके पैर में बुरी तरह चोट लग गई और वह दर्द से चिल्लाने लगा। तभी वही बूढ़ा व्यक्ति भागा हुआ आया और उसने अनुराग को उठाया। जब उस औरत को पता चला तो वो भी आई। उसने अपनी साड़ी का चीर फाड़ कर उसके पैर में पट्टी कर दी। अनुराग बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। दूसरों की मदद करके भी हम असल में खुद की मदद कर रहे होते हैं। जब हम दूसरों की मदद करेंगे तभी जरूरत पड़ने पर कोई दूसरा हमारी भी मदद करेगा।